असल खुवा एक नई वीडियो में आपको खुश आमदी भाई जिस चीज़ का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो वक्त आप वो चाहे मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार चौबीस का इब्तदाई शेड्यूल जी हाँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़े टाकरे का इंतजार तो आपने वैसे ही किया होगा तो भाई ये होगा कहाँ पर जगह कौन सी होगी वक्त क्या होगा पाकिस्तान और इंडिया का रन बहुत बड़ा मैच कहाँ होने जा रहा है ये सारी डिटेल बताएंगे कौन से पार्क में होगा या कौन से ग्राउंड में होगा क्योंकि बड़ी कशमकश है ये सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करेंगे तो जरा आज ही मज़ेदार सी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तान के किन पांच ममालिक से मैच होंगे और कितने ग्रुप्स हैं कितनी टीम्स हैं बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है ये चार जून से शुरू होगा तीस जून तक चलेगा पाकिस्तान के कितने मैचेस हैं ग्रुप ए में आने ज़रा पहले जो है वो ग्रुप वाइज पाकिस्तान की टीमें देख लेते हैं फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहाँ पर होगा कैसे होगा वक्त क्या होगा सारी चीज़ें बताऊँगा पाकिस्तान का पहला मैच जो है वो 6 जून को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ही होगा और ये जो मैच है वो होगा हमारा अमेरिका से ही और ये पहला मैच होगा पाकिस्तान का 6 जून को जबकि 9 जून को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा शेड्यूल कौन सी होगी जगह जगह पर एंड में बात करूँगा मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या आईसीसी ने यहाँ पर खर्च मारी है जिसको कहते हैं और इस पर इंग्लैंड भी जो है वो बहुत एक्साइट थे कि यार हमें शायद वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल जाए क्योंकि दो आई थिंक नवंबर में जब वर्ल्ड कप ही चल रहा था तो अहमदाबाद में आईसीसी का जो है वो बहुत बड़ा इजलास भी हुआ था उसमें ए, ये फैसला कर दिया गया था कि भाई इंग्लैंड के पास नहीं जाएगा ये वर्ल्ड कप ये वर्ल्ड कप इंडिया ओ, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के पास ही रहेगा तो पाकिस्तान का जो मैच है दूसरा वो होगा न्यूयॉर्क में ही और नसाओ क्रिकेट ग्राउंड एकेडमी जिसको हम कह लें एक छोटी सी एकेडमी है जिसमें कोई एकेडमी भी नहीं कह सकते एक पार्क के लिए छोटा सा पार्क है, जिसको बिल्कुल अभी तक तैयार नहीं हुआ हुआ और वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि हम फरवरी में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे जबकि जून में यहाँ पर पूरी दुनिया का जहाँ अब यहाँ पर मसला ये है कि ब्रॉडकास्टर हो या जितने भी ब्रॉडकास्टर होते हैं उनकी एक बात होती है इसमें उनका जाहिर सी बात है रेवेन्यू की उनकी अट अटक जाते हैं वो रेवेन्यू पर आकर ना तो उनको थोड़ा सा मसला इस वजह से आ रहा है टाइमिंग का इशू भी आ रहा है क्योंकि बड़े ये एशिया जो है वो तकरीबन कोई दस बारह नौ घंटे की जो है वो अप, वक्फ़े से जो है अमरीका और वेस्ट इंडीज़ से चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है जब वहाँ दिन होगा तो या रात होगी ब्रॉडकास्टर को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है ना इसमें तो ये बातें बाद में करते हैं पहले जो है वो आपको नसाओ क्रिकेट ग्राउंड में लेकर चलता हूँ आपको तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही होंगी कि कितना छोटा सा पार्क है यकीन करें आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर अहमदाबाद में भी रखते हैं ना तो वहाँ पर भी एक लाख के करीब तमाशाई आ जाते हैं एक लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है बहुत बड़ी अकाउंट होती है अभी मैं आपको बताऊँ अगर आप न्यूयॉर्क में ये मैच रख रहे हैं ठीक है न्यूयॉर्क में हजारों इंडियंस हैं हजारों पाकिस्तानी हैं यकीन करें जब वो मैच देखने आएंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी अब नसाऊ क्रिकेट के, ग्राउंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई हम फरवरी में जो है इसका आगाज करेंगे कंस्ट्रक्शन में भाई कितना आगाज़ कर लेंगे आप कितने स्टैंड जो है वो इसमें लगा लेंगे दस लगा लेंगे बारह लगा लेंगे पता कितने कितने हज़ार इसमें बंदे आ जाएंगे दस हज़ार बारह हज़ार आठ हज़ार नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा आपका एम सी जी नब्बे पचानवे हजार बंदा की गुंजाइश है वहां वो कम पड़ जाता है अहमदाबाद सबसे बड़ा ग्राउंड है पूरी दुनिया में वो कम पड़ गया था पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो ये छोटे से क्लब में आप किस तरह मैच करवा सकते हैं तो तस्वीरें आपको सामने नजर आ रही होगी भाई क्लब भी एक पार्क है जिसमें लोग वॉकिंग के लिए आते हैं तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के 9 जून वाले मैच को और इतलात जो है वो ये भी आ रही है कि भाई ये मैच या एक दिन पहले हो जाएगा क्योंकि 9 जून को जो है वो संडे आ रहा है और ब्रॉडकास्टर नहीं चाह रहे कि हमारा ये मैच उस वक़्त हो जब इंडिया और पाकिस्तान के बेशर लोग सो रहे हों तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे वक्त में हो भले वो इंडिया में सुबह आठ बजे का वक्त हो लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद शायक जो है वो इसको शाम में देख सकें आठ नौ बजे जाहिर सी बात अगर वहाँ जो है सुबह दस बजे भी मैच शुरू होता है तो यहाँ पर आठ बजे आपको लाइव ब्रॉडकास्ट देखने को मिल सकती है तो होफेन्यूज़ पर बात चल रही है हो सकता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो और ये सुबह में कन्वर्ट हो जाए तो पाकिस्तान का दूसरा मैच जो है वो आ, इंडिया के साथ होगा अब तीसरे मैच जो है वो आई थिंक ग्यारह जून को कनाडा के खिलाफ है वो भी न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर मैच जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में भी है क्योंकि ग्रुप ए में अमेरिका आपके साथ मौजूद है कनाडा आपके साथ मौजूद है जबकि पाकिस्तान का आखिरी मैच जो है वो 16 जून को आई थिंक आयरलैंड के खिलाफ होगा और ये फ्लोरिडा में होगा फ्लोरिडा एक अच्छा ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ समझ में नहीं आई कि आपने आयरलैंड और पाकिस्तान के मैच को जो है वो फ्लोरिडा दे दिया जबकि यहाँ के नसाऊ क्रिकेट ग्राउंड अकेडमी दी बहुत छोटी सी है जितनी भी आप तीन महीने में आपके पास बचते हैं आप कितनी भी कंस्ट्रक्शन कर लें आप उस तक नहीं पहुँच सकते तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा देखेंगे क्योंकि आईसीसी जो है वो अच्छी खासी फंडिंग करती है जिस भी मुल्क में मैच हो या जिस भी जो भी ऑन कर रहा होता है उसको तो ये दोनों मिल देखते हैं कि ग्राउंड कैसा तैयार होता है और मुझे तो लगता है आर्टिफिशियल जितनी जितने भी पैसा लगा ले जितने भी स्टैंड लगा ले, वो असल स्टेडियम का लुक नहीं दे सकते तो अब वो वाली बात भी नहीं रहती कि यार ये अब दोबारा शायद इंग्लैंड वाले आ, कर लेना यार ये पोलिटिकल पॉलिटिक्स भी होती है इसमें कुछ ना तो ये मैच है न्यूयॉर्क में ही होगा अनफॉर्चुनेटली तो देखते हैं वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी अच्छे ग्राउंड है वहाँ पर भी हो सकता था लेकिन चूंकि न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ा शहर है बहुत बड़ी सिटी है अच्छा हाँ ये जो नसाऊ क्रिकेट ग्राउंड है अब ये मैं न्यूयॉर्क शहर में भी अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा जो शहर है अमेरिका का उसमें इतना बड़ा ग्राउंड क्यों नहीं है तो ये शहर में नहीं है शहर से करीब ये तकरीबन कोई पचास मिनट या एक घंटे के ड्राइव पर नसाऊ क्रिकेट जो है वह अकेडमी मौजूद है तो ये थोड़ा सा सोशल इसका जो है 2024 वर्ल्ड कप का इब्तदाई शेड्यूल है यह भी ब्रॉडकास्टर को भेजा है और क्या कहते हैं पीसीबी इस तरह बीसीसीआई और जितने भी बोर्ड हैं उनको ये इब्तदाई शेड्यूल जारी किया है कि भाई आप इस पर नज़रसानी कर लें जो भी हो तो होपफुली आई थिंक यही जो है वो बरकरार रहने वाले हैं तो नौ जून को पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा होगा उस बारे में मज़द कोई डिटेल आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और पाकिस्तान का मैंने तकरीबन आपको इसको बता दिया और पाकिस्तान के ग्रुप में इस वक्त पाँच होंगे पाकिस्तान इंडिया आयरलैंड कनेडा और अमेरिका ठीक है पांच टोटल बीस टीमें होंगी चार ग्रुप होंगे पांच-पांच टीमों के उसमें से जो दो टीमें हर ग्रुप में से टॉप पर होंगी वो ग्रुप ए एट आठवें मरहले के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगी उसमें फिर दो ग्रुप बनेंगे चार चार टीमों के फिर उसमें से जो दो होंगी वो सेमी और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई होगा तो ये थोड़ा सा शॉर्ट जो है वो आ, शेड्यूल है इसका चार जून से शुरू हो रहा है तीस जून को एक ही तकरीबन बीस से पच्चीस दिन के अंदर आपको सिमटता हुआ नजर आएगा टूर्नामेंट लेकिन इसमें बहुत बड़ी मज़ा आने वाला उसकी ये है उसकी वजह यह है कि ग्राउंड छोड़े होंगे छक्के चौके आपको देखने को मिलेंगे लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच पता नहीं अब इसमें हो सकता है या और कोई भी अगर इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर मिले मैंने अपने चैनल पर टेक्स पोल किया था जिस पर सिक्सटी सेवन परसेंट आवाम ने कहा था कि भाई क्रिकेट एनालिसिस की वीडियो भी आनी चाहिए तो ये आपके लिए आ गई है होपफुली आपको पसंद आई होगी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अल्लाह हाफिज़